नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग खूंटी जिला से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं खूंटी जिला स्तरीय पदाधिकारी और खूंटी जिला से कुछ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि खूंटी जिला चौकीदार हो गया या फिर और खूंटी जिला से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अंत में अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट नंबर है, वर्तमान उपायुक्त कौन है। खूंटी जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है, तो श्री लोकेश मिश्रा हैं। ठीक है, अभी के वर्तमान उपायुक्त कौन है, श्री लोकेश मिश्रा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, खूंटी जिला के वर्तमान एसपी है ना पुलिस अधीक्षक कौन है, यानी कि एसपी कौन है, तो श्री अमन कुमार है। अमन कुमार यह भी खूंटी जिला के वर्तमान एसपी हैं। आगे देखते हैं, खूंटी जिला के वर्तमान डीडीसी, तो वर्तमान डीडीसी कौन है, श्री श्याम नारायण राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खूंटी जिला के अनुमंडल पदाधिकारी कौन है, तो सुश्री दीपेश कुमारी अभी जो हैं ये वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा सुश्री। नेक्स्ट देखते हैं, खूंटी लोकसभा सांसद, अभी खूंटी जिला लोकसभा या खूंटी लोकसभा सांसद जो है ना ये कौन है, तो ये कालीचरण मुंडा है। कालीचरण मुंडा, ठीक है, अभी वर्तमान में यही सांसद है, जो कि अर्जुन मुंडा को हरा के ये बने हैं कालीचरण मुंडा, जो कि वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, खूंटी जिला में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो दो है ना, और दो विधानसभा कौन कौन है, ये एक खूंटी है और दूसरा तोरपा है। दूसरा क्या है, तोरपा। अब खूंटी विधानसभा का जो हमारा मंत्री हैं वो कौन है, नीलकंठ मुंडा। नीलकंठ मुंडा, ठीक है, और तोरपा विधानसभा कोचे मुंडा है ना, कोचे मुंडा। तो ये दो हमारा खूंटी जिला के प्रमुख कौन है, विधायक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खूंटी लोकसभा से पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा किस पद के मंत्री थे, तो अनुसूचित जनजातीय मंत्री, ये केंद्र सरकार में या केंद्र जनजातीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, खूंटी जिला में कुल थानों की संख्या कितने हैं, थाना कुल थाने की संख्या कितनी है, ये लोहरदगा चौकीदार में ही पूछा था, लोहरदगा में कुल थाना कितने हैं, उसी तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कुल थानों की संख्या कितनी है, तो 13 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, खूंटी जिला के किस प्रखंड में सबसे अधिक गांव हैं। अब ये देखिए, किस प्रखंड में सबसे अधिक गांव हैं, तो ये आपका हो जाएगा कर्रा प्रखंड में, आंसर हो जाएगा कर्रा, और कुल गांवों की संख्या कितना है, तो 178 गांव है, ये जरूर याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड सबसे कम गांव किसका है, कौन सा प्रखंड का है, तो रनिया का है ना, और ये सब सारा वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिए हैं पहले भी, कि रनिया में कितना गांवों की संख्या है, कितना पंचायतों की संख्या है, मेरा प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खूंटी जिला से ही रिलेटेड, बिरसा मृग विहार किस जिला में है? तो ये खूंटी जिला में है, ये जरूर याद रखिएगा, खूंटी जिला में है ना। और इसमें अगर आपको बोलेगा कि खूंटी जिला ये जो मृग विहार है ये काला हिरण के लिए बहुत ही फेमस है खूंटी जिला का, ठीक। झारखंड का काला हिरण का आपका हिरण उद्यान कहाँ है? तो खूंटी जिला में है, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे हम देखते हैं मृग विहार की स्थापना, यानी कि खूंटी मृग विहार की स्थापना कब हुई है? 1987 ईस्वी में हुई है, ठीक है, तो ये डेट भी याद रख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है क्या कि झारखंड के कितने नंबर में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने थे? तो ये दूसरे नंबर में बने थे, है ना, दूसरे नंबर में बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा। और ये कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड में? तीन बार, तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अभी झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, ये तो आप सभी को जानिएगा, है ना, सोरेन, ठीक। आगे हम देखते हैं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोग कोई कोई बहुत गलत कर दिए थे लोहरदगा चौकीदार में, और लोहरदगा चौकीदार में आपका ये क्वेश्चन भी पूछा था झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो श्री संतोष गंगवार हैं, है ना, ये अभी वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वित्त मंत्री, झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो रामेश्वर उरांव हैं, है ना, रामेश्वर उरांव हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति आप लोगों को सभी को पता होगा, जो कि हमारे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ये भी वर्तमान राष्ट्रपति हमारे देश के हैं। तो ये सब सारा हमारा ये इस टॉपिक में रहा, इस वीडियो में रहा, और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बतलाएं। और भी और कुछ वीडियो आप लोगों को ज़रूरी है तो कमेंट करें, ताकि उसको बनाने का कोशिश करेंगे हम। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।